My name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. We have completed three exercises for this chapter. Now this is the last exercise for chapter 13, exercise 13.4. Now we will start. देखिए आपका first question यहाँ पर दिया हुआ है. Sarju's bought a bicycle that cost rupees 1,750 rupees. If the rate of sales tax on the bicycle is 4%, How much amount have Sarju's paid for the bicycle? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लड़का है, उसने एक बाइसिकल बॉट की जिसका प्रिंट प्राइस, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट प्राइस, प्रिंट वैल्यू जो है वो है 1750 रुपीज़. ठीक है, 1750 रुपीज़ उसका प्राइस है. अब इस प्राइस पे उसको सेल्स टैक्स देना है 4% का. ठीक है, इस प्राइस पे उसको सेल्स टैक्स देना है 4% का, तो कितना अमाउंट सरजूस टोटल पे करेगा. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन. ठीक है, सरजूस ने कितने में बाइसिकल बॉट किया, इतना उसका उस बाइसिकल का कॉस्ट था. पेपर प्रिंट प्राइस जो है वो आपका ये है बाइसिकल का. सेल्स टैक्स उसको देना है 4% का, तो ये क्या होगा, 4% ऑफ रुपीज 1750 रुपीज़. ठीक है, अब ये जहाँ पर भी आपका परसेंट का साइन आता है उसका मीन्स होता है 4/100, उसको कर लेंगे. ठीक है, बाय 100. अब यहाँ पर आप क्रॉस, आप क्या करोगे इसमें, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे, या फिर आप क्या करोगे, सिंपली जो भी कट रहा है उसको काट देंगे और फिर वैल्यू आएगी आपकी ₹70. ठीक है, ये आपका क्या आ गया, सेल्स टैक्स का वैल्यू आ गया. अब इतना अमाउंट साइकिल का है और इतना उसको सेल्स टैक्स में देना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस हमारा निकल के आ जाएगा. कितना पैसा सरजूस को देना पड़ा वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा. तो बाइसिकल का कॉस्ट है आपका 1750 रुपीस और सेल्स टैक्स उसको देना पड़ा 70 रुपीस, तो टोटल उसको 1820 रुपीस देना पड़ा. ठीक है, तो सरजूस विल हैव टू पे रुपीस 1820 फॉर द बाइसिकल. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2. द ग्राम पंचायत गिदपुरी नियर महानदी कलेक्ट्स अ टैक्स ऑफ ₹20 पर क्यूबिक मीटर एज टैक्स फॉर सैंड फ्रॉम द रिवर बैंक ऑफ अ ट्रक कंटेन्स 5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ सैंड. देन हाउ मच टैक्स वुड द पंचायत गेट ऑन टेकिंग आउट 12 हेक्टर्स ऑफ सैंड फ्रॉम द रिवर बैंक. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ग्राम पंचायत है, उस वो जो टैक्स है, टैक्स कलेक्ट करता है वो 20 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से टैक्स जो है वो कलेक्ट करता है. अब एक ट्रक पे, ठीक है, एक ट्रक में 5 क्यूबिक मीटर सैंड जो है वो आता है, तो कितना टैक्स उनको पे करना पड़ेगा अगर वो 12 ट्रक से वो करते हैं, मतलब 12 ट्रक से सैंड को रिवर बैंक से लेके आते हैं, तो कितना टैक्स उनको पे करना पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन में बोल रहा है. ठीक है, तो देखिए एक ट्रक कितना कंटेन करता है, 5 क्यूबिक मीटर, तो 12 ट्रक कितना सैंड कंटेन करेगा, तो 5 × 12. ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 क्यूबिक मीटर 60 क्यूबिक मीटर ट्रक जो है वो कंटेन करता है सैंड, 12 ट्रक सैंड कंटेन करते हैं. ठीक है, अब 1 क्यूबिक मीटर पे टैक्स कितना देना पड़ रहा है, ₹20 का, तो 60 क्यूबिक मीटर में टैक्स कितना देना पड़ेगा, 60 × 20. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1200. तो पंचायत को ₹1200 का टैक्स जो है वो देना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. अंजलि बॉट सेंट्स दैट कॉस्ट ₹500 एंड ऑर्नामेंट दैट कॉस्ट ₹800 फ्रॉम अ शॉप. द सेल्स टैक्स On scent is 16% and that on ornaments is 8%. How much amount did Anjali in total pay to the shopkeeper? ठीक है, अब अंजलि है, अंजलि ने सेंट खरीदा जिसका प्राइस था 500 का और ऑर्नामेंट्स खरीदे जिसका प्राइस था 800 का. अब इन दोनों अमाउंट में उसको सेल्स टैक्स देना था, तो सेंट का सेंट में जो सेल्स टैक्स का रेट लग रहा है वो 16% है और ऑर्नामेंट्स में जो सेल्स टैक्स का रेट लग रहा है वो 8% है. अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि अंजलि को टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा शॉपकीपर को. तो देखिए पहले सेंट के लिए निकालते हैं फिर ऑर्नामेंट्स के लिए निकालेंगे.
तो सेंट के लिए प्रिंट वैल्यू दी हुई है 500 का और रेट कितना लग रहा है 16% का, तो 16% ऑफ 500, तो 16/100 × 500, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹80। उसके बाद में तो अब आपका यहाँ पर ₹80 क्या आ गया, सेल्स टैक्स आ गया, और ₹500 उसका क्या है, अमाउंट है, मीन्स उसका प्रिंट वैल्यू है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, सेंट का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, सेंट का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 500 उसका प्रिंट वैल्यू और ₹80 उसका सेल्स टैक्स, तो टोटल आ गया आपका ₹580। अब देखिए ऑर्नामेंट्स के लिए, ऑर्नामेंट्स का प्रिंट वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर ₹800 दिया है, और सेल्स टैक्स आपका दिया है 8% का, फिर से वही होगा 8% ऑफ 800, तो 8/100 × 800, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ₹64। फिर से वैसे ही इन दोनों, ये क्या आ गया आपका सेल टैक्स परसेंट, टैक्स का अमाउंट आ गया, और ये उसका प्रिंट वैल्यू का अमाउंट आ गया। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल जो सेलिंग प्राइस है ऑर्नामेंट्स का वो निकल के आ जाएगा ₹864। अब टोटल अंजलि को कितना शॉपकीपर को पे करना पड़ा, तो यहाँ पर आपका ऑर्नामेंट का अमाउंट निकला और ऊपर में आपका सेंट का अमाउंट निकला था, तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा आपका कितना अंजलि को पे करना पड़ा। तो यहाँ पर क्या किया, दोनों अमाउंट को ऐड कर दिया, तो टोटल आप टोटल अंजलि को ₹1,444 शॉपकीपर को देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो आपका सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे, तो आप लोग उसको बना लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सुंदरपुर डिसाइडेड ₹8 पर स्क्वायर फीट एज डेवलपमेंट टैक्स, इफ द टैक्स ओन्ड बाय भानु प्रकाश मेजर्स 50 फीट × 30 फीट, हाउ मच डेवलपमेंट टैक्स विल बी पे। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ₹8 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से डेवलपमेंट टैक्स लेती है। अगर भानु प्रकाश के पास में उसका जो उसकी जो लैंड है, ठीक है, वो क्या है 50 फीट × 30 फीट उसका लैंड है, तो कितना डेवलपमेंट टैक्स भानु प्रकाश को पे करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए भानु प्रकाश के पास में टोटल लैंड कितना है 50 फीट × 30, यही है, तो इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1500 स्क्वायर फीट। ठीक है, स्क्वायर फीट में आपको स्क्वायर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से क्वेश्चन में दिया, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या लेती है, टैक्स लेती है, तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, ये स्क्वायर फीट में आ जाएगा 1500 स्क्वायर फीट। अब डेवलपमेंट टैक्स कितना लगेगी, 1 स्क्वायर फीट के लिए ₹8, तो 1500 के लिए कितना लगेगी 1500 × 8, तो ये दोनों इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹12,000। तो ₹12,000 भानु प्रकाश को डेवलपमेंट टैक्स के लिए देना पड़ेगा। इसके आगे के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, अगर कोई डाउट आता है तो बताइएगा। थैंक यू।